कर लेना है। चाक पट्टी एक कर रही है, दूसरी कच्ची कर आपको ये बटन टाइप मोड़ना है। इसमें एक डबल फोल्ड मारा, एक फोल्ड हमने हमारा, एक फोल्ड हमने ये हमारा प्राइवेट आपका सिलाई लगा देंगे ये देख सकते हैं हमारा बटन टाइप बन गया। तो मैं आपको एक पूरी चाक पट्टी पर तैयारी करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा कटा हुआ ये है नीचे, उसके बाद भी हमें ये तकरीबन एक इंच ज़्यादा है, तो इसमें से आपको हाफ इंच यहाँ रखना है बस। हमारी चाक पट्टी के अंदर जितने भी दबाव सब कर देना है, जितना भी दबाव है बिल्कुल लब पर सिलाई लगानी है। और यहाँ आपको टाबी जो है डबल बांधनी है, एक ऊपर एक नीचे देना पूरा। जो हमने कपड़ा काटा है वो चाक पट्टी के नीचे दबाना है हमें ये। आपको ऊपर आ गई और दूसरी टाकी ये सवा इंच पर आ गई। जो हमने नीचे कपड़ा काटा है वो कपड़ा इन दोनों टाकी के बीच में फिक्स हो गया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कपड़ा, ये पहले जो आपका इसको सेट कर लेना। ये आप देख सकते हैं जो मैंने कपड़ा काटा है वो कपड़ा मेरा कटा हुआ ये है, ये सिलाई मेरी आ रही है इन दोनों बीच की, इन दोनों सिलाई के बीच में जो मैंने कपड़ा काटा था चाक पट्टी के लिए वो अंदर फिक्स हो गया। ठीक, ऐसी चाक पट्टी आपको तैयार करनी है। सिलाई के बीच में फिक्स हो गया और हमको ये भी ये कपड़ा जो भी ज्यादा चाक पट्टी और बटन टेप दोनों ये चाक पट्टी तरफ से ये और चाक की जगह हम चाक की जगह बना लेते हैं पहले। और जब भी बना तो हमने ये मार्क लगाया है खुद का, ये खुद का आपको पकड़ना है और ये जगह खुद का आपको मिलाना है। यहाँ से आधा इंच हटा के सिलाई नीचे लगानी है, हम शुरू से आधा इंच हटा दिया ये और इधर से एक दाब ज्यादा चढ़ा के सिलाई लगा दी। ऐसी आपको ये सिलाई लगानी है, ये हमारी एक जगह बन गई इधर। ऐसी आपको इस पे सिलाई लगानी है। ये हमारी अब आपको यहाँ से जेब पलट देनी है। ये आपको तोड़ है तोड़ कर लेना पूरा ये। ये हमारी चाकी से बन गई डिजाइन है, डिजाइन आपको सबसे अच्छे तरीके से बनाना है। और ये धागे का सबसे खास ध्यान रखना है, धागे बिल्कुल नहीं बीज वाला डिजाइन बनाते हैं, बिल्कुल सिलाई बिल्कुल लपड़ चाहिए। धागे का खास ध्यान रखना है, धागा कहीं नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं पट्टी लग चुकी है हमारी, हमारी ये हमारी दूसरी पट्टी। हल्के से हमको प्रेस मारनी है, ये जो नम जो आ रही है उसको नम निकालनी है। तो इस पर हम प्रेस मारते हैं, ये जो नम हमको ये नम निकालनी है जो कि कम भरती है हमारा, इसको हमें एक बराबर कर देना है बिल्कुल। और अब आपको ये तकरीबन
फोन कर देना है। सामने का दिखाई दे रहा है, हम लगाने जा रहे हैं इसकी पॉकेट। इसका सेंटर जो है ये है, यहाँ से कम से कम हमको लगाएंगे पॉकेट, यहाँ से लगाएंगे सब मिलाकर ज़्यादा नहीं, 4.5 इंच की रही है, मार पा गई है। वॉलेट पॉकेट इसमें हमने बुकरम लगाई है, हमारा दूसरा कपड़ा ये है अंदर के लिए, इसमें हमने बुकरम लगाई है। हमने इसके अंदर की पॉकेट की थैली बनानी है, ये जेब लेनी है, जेब को पलटना है। जो हमने ये निशान लगाया है, अब ये निशान इस पर समझ में नहीं, ये यहाँ की मेरी जेब, ये कपड़ा हमें ज़्यादा लगना, ज़्यादा रखना है ऊपर थोड़ा, बाद में हमको काटना है। दाब लेनी है बराबर, एक पैर की दाब पूरी भर के लेनी है। ये टाँसी मजबूत कर ली, ये देख सकते हैं मैंने लिया, और आपको ये देख सकते हो गणेश जी सूट है, ये हमको इतना जेब बीच में रखना है। मैं बात लगा के दिखाता हूँ, गणेश जी एक सूट हमारा ये आया, इतना जेब हमें ये देना है, ये जेब हम देंगे तो हमारी ये जो बोन है हमारी ये इस जेब के अंदर फिक्स हो जाए। तो टाँकी आपको बिल्कुल सेंटर से इसकी बांधनी है बिल्कुल। आपको ये काटना है, इसमें इतना काटना है पहले, और यहाँ के बाद आपको ये टाँकी काटनी है दोनों तरफ की। इधर ही रखते हैं टाँकी तक कपड़ा, टाँकी कपड़ा काट दिया। आपको ये फोल्ड कर देना है, इस पर जड़ में सिलाई लगा देनी है, सिलाई जो लगानी है हमें इस कपड़े के ऊपर लगानी है बिल्कुल लग के। उतार दिया, आप ये देख सकते हो ये आ गया, इसको भी हमने अंदर कर दिया, अब हम ये अंदर कर रहे हैं, ये अंदर कर दिया बोन वाला, और ये ऊपर का कपड़ा हमने ये भी अंदर कर दिया। अब इसे उल्टी तरफ बढ़िया करके बिठानी पॉकेट, ये हमारा पट बोन वाला कपड़ा आ गया, ये हमारा ऊपर वाला कपड़ा आ गया, ठीक। अभी हमें इसमें टाँकी बांधनी है, देख सकते हैं कपड़ा हो गया, आपको इसमें टाँकी बांधनी है अच्छी तरीके। अब हमने कपड़ा काटा है, ये कपड़ा हमारा बाहर आ गया, इसी कपड़ा हमें टाँकी बांधनी है अंदर करके कपड़ा, ये कपड़ा हमने अंदर करा। आपको इसकी जड़ में बांधनी है, ऊपर नहीं चढ़े, बिल्कुल जड़ में टाँकी आनी चाहिए, जड़ से हल्की बाहर हो जाए, ऊपर नहीं चढ़े। ये मैंने टाँकी बांधी, ये देख सकते हैं मेरी बोन आ गई, ऐसी हमें इधर की टाँकी बांधनी। दोनों तरफ टाँकी बांधी मेरी बोन, ठीक। ये देखो अब अंदर थैली थैली बांधनी है, मेरी बोन है, देख सकते हो आप बोन कैसी लगी माशाल्लाह, कपड़ा ज़्यादा है, बस आपको ये 1 सेंटी यानी कि 300 एक्स्ट्रा रख कर बाकी सब ये कपड़ा अंदर वाला काट देना है। ये मैंने सारा ये कपड़ा काट दिया, हाँ। और अभी इस कपड़ा का आपको यहाँ काटा है, ये भी कच्चा है हमारा, ये कच्चा, इसमें आपको ये फोल्ड कर देना अंदर, मैंने अंदर फोल्ड कर दिया। दूसरा कपड़ा हमारा ये है, दूसरा कपड़ा हम इधर फोल्ड करेंगे, अभी वो आपको हम वो भी दिखा दें, हम ये इसे बंद करनी होगी हमें। बस ये नीचे नीचे थैली हमें थैली बंद करनी है, थैली आपको ज़्यादा नहीं, बस 6 इंची 6.5 इंची रखनी है, यहाँ से आप नाप सकते हो जी, ये आपको बस अंदर ही
चलिए बंद करें। आपको ये ऊपर से हल्का हल्का फोल्ड कर देना है कपड़ा, ऊपर का भी नीचे का भी, ये जो हमारे धागे हैं सब ये अंदर से जैसे से मैं इस जगह फोल्ड करा, थोड़ा जगह फोल्ड करा, ठीक थोड़ा थोड़ा मैं अभी ये इन दोनों का ऐसे फोल्ड करता हूँ, आधा इधर का और आधे ही नई जगह फोल्ड किया। ये हमको फोल्ड करना है चारों तरफ से। नहीं लगी ये कपड़ा, आप देख सकते हो निकल रहा है इधर कच्चा है। तो आपको ये सिलाई कैसे लगानी है, ये आपको सिलाई जो लगानी है, ये पल्ला तो हमारे इधर अटैच हो जाएगा, दूसरा पल्ला हमको इसमें अटैच करना है। तो आपको ये फोल्ड यहाँ करना है हल्का मोड़ के अंदर, ये मेरा ये अंदर फोल्ड हो गया। अब इसे चारों तरफ से बंद कर देनी है पॉकेट को। ये आप देख सकते हैं मेरी पॉकेट चारों तरफ से बंद हो चुकी है, ये उल्टा हिस्सा है इसका, पॉकेट सब तरफ से बंद हो चुकी है, ये सीधा हिस्सा आ गया, मेरी पॉकेट इधर आ गई। और आपको ये जो कपड़ा है हमारा गले के हिसाब से काट देना है, ये देख सकते हैं। अब ऐसे करते हैं जुड़ाई है, देख सकते हैं हमारी बैग है और ये हमारा सामना है। ये हमारी बैग है, सबसे पहले बैग हम ज्वाइन करते हैं। ये हमारा सीधा हिस्सा है, ये उल्टा है, ये हमारा सीधा हिस्सा है और ये उल्टा है, ठीक है। उल्टे में उल्टा हमने अटैच करा, हमने जो मार्क लगाए हैं ये जितना हमारा इधर तैयार आया इतना हमको ये तैयार लेना है इधर, ठीक है। हमको ये मार्क से इस मार्क पर एक दाब का कर दिया। हम इस पे पहले करते हैं ओवरलॉक, हमारा दूसरा तो हमारा ये पक्का है, तो ओवरलॉक की जरूरत नहीं है, तो आइए हम इस पे ओवरलॉक करते हैं। ये हमने इस पे ओवरलॉक किया,